एनसीबी के जोनल डायरेक्टर रहे समीर वानखेड़े भ्रष्टाचार के आरोपों में बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था और आरोप है कि उनसे 25 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। अब सीबीआई की रिपोर्ट में एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं, जिसकी वजह से समीर वानखेड़े ऐसे फंसे हैं कि अब उनकी बहाली बेहद मुश्किल हो रही है। सीबीआई ने आर्यन खान से रिश्वत मांगने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। इसी बीच शाहरुख खान और समीर वानखेड़े के बीच हुई चैट्स भी लीक हो गई हैं, जिससे एक नया मोड़ सामने आया है। ये चैट आर्यन खान की गिरफ्तारी के दौरान का है। इस चैट में शाहरुख खान समीर वानखेड़े से कहते हैं कि वो पिता की हैसियत से बात कर रहे हैं। उन्होंने समीर वानखेड़े से गुजारिश की कि मेरे बेटे आर्यन को जेल में न रखा जाए, जेल में रखने से वो टूट जाएगा। शाहरुख इस चैट में कानून के तहत पूरा सहयोग करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह ने आर्यन खान ड्रग केस पर अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में समीर वानखेड़े पर कई आरोप लगाए गए हैं, तो जानते हैं क्या है वो आरोप। समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी की सालाना आय करीब 22,75,000 रुपए होने का आरोप। साल 2017 से 2021 के बीच समीर वानखेड़े अपने परिवार के साथ विदेश घूमने गए थे। ब्रिटेन, आयरलैंड, पुर्तगाल, साउथ अफ्रीका और मालदीव जैसे देशों के सैर कर चुके समीर वानखेड़े अपनी सैलरी से ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो इन देशों में करीब 55 दिन बिता चुके हैं। समीर वानखेड़े ने कहा है कि विदेशी दौरे पर कुल 8,75,000 रुपए ही खर्च हुए थे, जबकि हकीकत ये है कि इन फ्लाइट्स के टिकट भी इससे ज्यादा महंगे होंगे। समीर वानखेड़े के घर में एक से बढ़कर एक महंगी घड़ियां हैं। उनके पास रोलेक्स की 22 लाख की एक सोने की घड़ी भी है। समीर वानखेड़े के पास मुंबई में करीब 4 फ्लैट है और उनके पास कई एकड़ जमीनें भी हैं। बता दें कि समीर वानखेड़े ने 2 अक्टूबर 2021 को क्रॉडेलिया क्रूज पर एक रेव पार्टी के दौरान छापा मारा था और वहां आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। आर्यन खान 26 दिनों तक मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद रहे और बाद में आर्यन को जमानत मिल गई, लेकिन अब उसी केस में समीर वानखेड़े फंसते जा रहे हैं।